दोस्तों सभी का हमारे YouTube चैनल कानून की आवाज में आपका स्वागत है। दोस्तों बात करते हैं, कोई भी पुलिस अधिकारी या पुलिस थाना अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकरण में किसी का नाम जद रिपोर्ट होने के बावजूद भी पुलिस अधिकारी को यह लगे कि इस व्यक्ति द्वारा या किसी भी FIR में नामजद है, जैसे 4-5 व्यक्तियों के नाम है, अगर पुलिस अधिकारी को लगे या पुलिस अधिकारी किसी भी मुलजिम पक्ष से मिलकर किसी का नाम हटा देता है तो आप क्या कर सकते हैं उस अधिकारी के खिलाफ, या आप पुलिस अधिकारी या तो जांच सही नहीं कर पा रहा या जांच सही करके नाम हटा रहा है तो आपको ये लगे कि पुलिस अधिकारी ने जांच सही नहीं की और जांच में तथ्य छुपाकर उस व्यक्ति का नाम निकाला है, तो आप उसकी शिकायत या तफ्तीश चेंज कराने के लिए आप SP के पास एप्लीकेशन लेके जा सकते हैं, जो SP किसी भी संबंधित अधिकारी को ट्रांसफर कर सकता है, तफ्तीश चेंज कर सकता है। मान लो अगर SP द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो आप उससे संबंधित जो भी रेंज का अधिकारी है, IG, उसके पास भी प्रार्थना पत्र लेकर लेकर जा सकते हैं, जो रेंज में जितने भी ऑफिसर से उनसे जांच करा सकता है, या IG रेंज का अधिकारी भी अगर जांच नहीं करता है तो आप DG से पूरे राज्य या स्टेट में आप जांच करा सकते हैं। लेकिन मान लो पुलिस मिली भगत करके या पुलिस अधिकारी सही तफ्तीश करते हैं फिर भी अपन को ये लगता है कि गलत तफ्तीश की है, इस व्यक्ति का नाम पुलिस द्वारा पैसे लेकर या कैसे भी मिली भगत करके नाम निकाला जा रहा है, तो आप किस प्रकार से उस व्यक्ति के नाम को ऐड करा सकते हैं। लेकिन अपन को जब तक पता नहीं लगेगा कि पुलिस अधिकारी जांच कैसे कर रहा है, किस किस का नाम रख रहा है, किन के खिलाफ चार्जशीट पेश कर रहा है, लेकिन जैसे ही चालान पेश होता है या चार्जशीट पेश होती है तो अपन को सारी स्थिति का मालूम ये सारी स्थिति मालूम पड़ जाती है कि किस व्यक्ति का नाम है किस व्यक्ति का नाम नहीं है। लेकिन चार्जशीट पेश करने के बाद भी अपन उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति के खिलाफ अपराध बनता है, उस व्यक्ति का नाम जुड़ा सकते हैं। वो कौन सा सेक्शन है जिसमें आप कोर्ट द्वारा उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करा सकते हैं या कोर्ट द्वारा उस व्यक्ति को मुलजिम बना सकते हैं, तो दंड संहिता की धारा 319 स्पष्ट कहती है कि कोई भी व्यक्ति या कोर्ट को ऐसा लगे तो आप जिस दिन चार्जशीट पेश है उसके कभी भी 319 का प्रार्थना पत्र पेश करके आप उस व्यक्ति का नाम जुड़ा सकते हैं या उस व्यक्ति की ओर कार्रवाई करा सकते हैं। मान लो पुलिस मिली भगत करके उस व्यक्ति का नाम हटा देती है, जैसे FIR में नाम है, फिर 33 में इन्वेस्टिगेशन में उनका नाम गायब हो जाता है, तो धारा 319 दंड संहिता की क्या कहती है? अगर संविधान की दंड संहिता की धारा 319 के प्रावधान में स्पष्ट किया गया है कि यह धारा लोअर कोर्ट में को किसी भी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही का अधिकार देती है, अपराध के लिए दोषी लगता है लेकिन FIR और चार्जशीट में नाम नहीं है। मान लो कोर्ट को भी ये लगता है, अपन को भी ये लगता है कि ये व्यक्ति मुख्य है, ये मुख्य आरोपी है, तो कोर्ट उस व्यक्ति को 319 दंड संहिता की प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दे सकती है उस व्यक्ति के खिलाफ, या उस व्यक्ति को मुलजिम बनाने का आदेश दे सकती है। इसलिए दोस्तों कभी भी आपके साथ ऐसा होता है पुलिस मिली भगत करके या किसी भी व्यक्ति का नाम निकाल देती तो आप एक प्रार्थना पत्र पेश करके वकील के माध्यम से 319 दंड संहिता प्रक्रिया के तहत आप उस व्यक्ति का नाम जुड़ा सकते हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई भी करवा सकते हैं। इसलिए दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कानून की आवाज को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।